दो पहिया वाहनों या चार पहिया वाहनों की लूट की खबरें तो आपने खूब सुनी होंगी, पर क्या एक बड़ा कंटेनर ही लूट लिए जाने की खबर से आप रूबरू हुए हैं? अगर नहीं तो चौंकिए मत। हम आपको बताते हैं कि आज अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो छोटी मोटी गाड़ियों की चोरी चकारी तो दूर, बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर ही लूट ले रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला लातेहार जिले का है, जहां लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली कि उड़ीसा एवं झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र से एक कंटेनर ट्रक को लूटकर अज्ञात अपराधी भागते हुए चंदवा की ओर आ रहे हैं। ये सूचना पर पुलिस अधीक्षक लातेहार के द्वारा त्वरित एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित छापेमारी दल के द्वारा चंदवा थाना अंतर्गत देवनद नदी के पास वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। वाहन चेकिंग के क्रम में ही लूटी गई कंटेनर ट्रक को बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ लूट में शामिल राहुल यादव नाम के शख्स को, जो ट्रक लेकर भाग रहा था, उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। राहुल यादव से पूछताछ के क्रम में यह भी पता चला कि इस कंटेनर की लूट भद्रक उड़ीसा के पास की गई थी और वाहन के ड्राइवर एवं खलासी को अपहरण कर भवानीपट्टन उड़ीसा ले जाया गया। गिरफ्तार राहुल यादव से पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि लूट में शामिल अन्य अभियुक्त भी चंदवा की ओर आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक लातेहार के द्वारा अन्य आरोपियों को दबोचने एवं अपहृत व्यक्तियों को सकुशल बरामदगी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लातेहार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा लूटकांड में शामिल तीनों अन्य अंतर्राज्यीय अभियुक्तों की गिरफ्तारी चंदवा से कर ली गई तथा अपहृत दोनों व्यक्तियों को उड़ीसा के भवानीपट्टन से सकुशल बरामद कर लिया गया। कल लातेहार पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा के भवानीपटना से एक कंटेनर गाड़ी को, जो जिसका कमर्शियल यूज होता है, उसको लूटा गया था कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा, और साथ ही उस गाड़ी में को चला रहे चालक और उसका सह चालक को किडनैप भी, अगवा भी कर लिया गया था, अपने साथ रख लिया गया था। सूचना यह प्राप्त हुई कि ये गाड़ी उधर से लूट के बाद चंदवा वाले रास्ते से होकर के आगे जाएगी। तो जब हमें सूचना प्राप्त हुई तो एक त्वरित टीम का गठन किया गया। थाना प्रभारी जिसमें शामिल थे, इनके नेतृत्व में बाकी पदाधिकारी थे चंदवा थाना के, उसका मॉनिटरिंग कर रहे थे SDPO लातेहार, और हमारी टीम ने न केवल उस गाड़ी को बरामद कर लिया है जिसकी लूट हुई थी, बल्कि उन दोनों चालक और सहचालक को भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। गाड़ी को लूटने में जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, वो क्रेटा एक गाड़ी थी, उसको भी हम लोगों ने सीज कर लिया है और चार लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है, और जो जिन लोगों के खिलाफ लूट हुई थी उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो इसमें अगवा हुए थे उनको सकुशल बरामद किया गया है, और बाकी हम लोग आगे ही कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसके ओनर हैं गाड़ी के, तो उनसे भी हम लोगों ने कम्युनिकेट उनको किया है, वो आएंगे, इसमें FIR दर्ज की गई है और इनको अभी हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं।